नेक्स्ट टॉपिक दे दो हेडिंग इक्विलिब्रियम। अब फिजिक्स में बहुत टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, इट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो इट इज रिलेटेड टू मोशन। मैकेनिकल का मतलब ही हो गया मोशन, ठीक है। तो यहां देखो कैसा होगा, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आई हैव अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ये टेबल है अपना और इसके ऊपर हमने एक बुक रखी है। अब इस पे फोर्सेस बताओ कौन से लगेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg, विच इज वेट, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और सर और टेबल और बुक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, फ्रिक्शन के बारे में और बताने की जरूरत है। फ्रिक्शन जो है ना, ये बहुत ही चालक फोर्स है, हमको ऐसे कंफ्यूज करने वाला फोर्स है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में नहीं बताएंगे, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ नहीं एक्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा वो बाद में पढ़ेंगे। टेबल बुक को फोर्स मतलब हाँ, टेबल जो है वो बुक को फोर्स लगाएगा, कहाँ लगाएगा, अपसाइड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसलिए सारे लेक्चर देखना जरूरी है, ठीक है। वहां पर है वेट डाउनवर्ड है, अगर ये अकेला फोर्स होता तो ऑब्वियस बात है दिस ऑब्जेक्ट शुड मूव डाउनवर्ड्स, शुड एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स, भले कुछ भी हो जाए। अगर ये एक्सेलरेट नहीं करता है देयर मस्ट बी सम फोर्स विच कैंसल्स आउट दिस और विच बैलेंसेस दिस एंड दैट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg इन दिस केस, याद रखना हर केस में नहीं होता है। देन वी कैन से दैट दीस फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस। इसको हम लोग कौन से फोर्सेस बोलते हैं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ या नहीं पढ़ा है मैंने। यस सर। अगर ये बैलेंस्ड फोर्सेस है तो ये जो बुक है दिस बुक इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बुक किस में है, ये इक्विलिब्रियम। हम लोग मैकेनिकल में ही पढ़ने वाले हैं फिलहाल, तो हम इसको सिर्फ इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दिस बुक इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा पूरा वर्ड नहीं यूज करेंगे। अब इसमें भी टाइप है, इसमें भी टाइप है। एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल में ही टाइप है। दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नाम ही बता रहा है। ट्रांसलेटरी का क्या मतलब, ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेशनल लिख रहे चलो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, इसलिए वो इक्विलिब्रियम है। मतलब क्या जीरो होना चाहिए, फोर्स या टॉर्क, लीनियर मोशन से रिलेटेड क्या है, फोर्स या टॉर्क, फोर्स। तो यहाँ क्या जीरो होना चाहिए, फोर्स। नेट फोर्स शुड बी जीरो, ये सिंबल क्या बता रहा है, नेट समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। वेक्टर है तो वेक्टर देना जरूरी है यहाँ पर। सो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, यहाँ देख लो हो रहा है क्या ऐसा, ये फोर्स है, ये भी फोर्स है क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तो ये बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब दिस इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स जीरो है। और वैसे ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होता है, सेम लॉजिक, नेट टॉर्क जीरो होता है। अब अपने क्लासरूम में ये जो फैन है बंद पड़ा हुआ है अभी फिलहाल, इसका मतलब क्या है, उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है इसलिए वो घूम नहीं रहा है ना, तो नेट टॉर्क है जीरो। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी घूमता तब भी नेट टॉर्क जीरो ही होता। व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट रोटेटिंग, मतलब इसका ओमेगा जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, या और ओमेगा इज कांस्टेंट, रोटेटिंग एट विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको। तो दोनों ही केस में टॉर्क जीरो होता है। अर्थ के केस में क्या होगा, अर्थ रोटेट कर रही है तो क्या होगा, टॉर्क जीरो हो गया या नॉन जीरो होगा, जीरो। अर्थ के केस में टॉर्क जीरो है, क्यों जीरो है सर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अर्थ
अर्थ का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए तो 24 घंटे में एक राउंड कंप्लीट कर रही है। अदरवाइज क्या होता है, आज 24 घंटे में कल 6 घंटे में, ऐसा तो होता नहीं। मतलब ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, अर्थ के केस में ओमेगा कांस्टेंट होगा या ओमेगा जीरो होगा, दोनों ही केस में टॉर्क जीरो होगा। तो अर्थ पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई अर्थ को घुमा नहीं रहा है, अपनी अपनी घूम रही। और ये जो है ना न्यूटन का हमने जो फर्स्ट लॉ देखा था लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी का रोटेशनल फॉर्म है। मैंने फर्स्ट लॉ ही लिखा है, सिर्फ रोटेशनल मोशन के लिए लिखा है, ये फर्स्ट लॉ ही है। वहां पर फर्स्ट लॉ कैसे लिखते थे, इफ नेट फोर्स इज जीरो, इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट आइदर द इफ द स्पीड इज कांस्टेंट जीरो देन इट विल रिमेन जीरो, इट विल रिमेन जीरो, है ना। इफ स्पीड इज कांस्टेंट इट विल रिमेन सेम, सो देयर इज नो चेंज इन स्पीड, यहां पर देयर इज नो चेंज इन ओमेगा, मतलब ओमेगा कांस्टेंट, जीरो इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल। अब इसमें भी और टाइप है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसी का ये भी टाइप है और इसी का और टाइप बताता हूं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप हर एक के केस में डिफाइन कर सकते हो, इसमें भी स्टेबल, इसमें भी डिफाइन कर सकते हो, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ये क्या है, इसको एक डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो मतलब वहां पर एक तो फोर्स जीरो होगा या टॉर्क जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो या नेट फोर्स जीरो। और अगर नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब क्या जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। कौन सी वाली, अगर फोर्स जीरो है तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। याद करना, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पीड जीरो, स्पीड वुड बी नॉन जीरो। एक डायग्राम देखो, यहां पर मेरे पास एक ऐसा ट्रैक है इस तरह का, और ये जो ट्रैक है ऐसा है, सपोज यहां पर फ्लैट है हॉरिजॉन्टल, यहां पर ऐसा है और यहां पर ऐसा है कॉनकेव। एंड इफ आई हैव अ मार्बल ट्रैक, मतलब वैसा मार्बल जिसमें मूव कर सकता है वैसा ट्रैक, मार्बल है अपने पास स्फीयर शेप का, यहां रख दिया इस पॉइंट पे, क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या हम मार्बल को यहां बैलेंस कर सकते हैं? यस, क्यों कर सकते हैं? तो ये इसका डायग्राम बनाता है, फ्री बॉडी डायग्राम, याद करो मैंने पढ़ाया है। नीचे की तरफ फोर्स एम जी, ऊपर की तरफ फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन, दोनों बराबर होंगे, बैलेंस हो जाएगा, सिंपल केस है। क्या यहां इस सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं? कर सकता है, देखो यहां नीचे फोर्स एम जी, ऊपर फोर्स आर, अगर ये दोनों बराबर है तो बैलेंस कर सकते हैं। क्या यहां हम लोग हर जगह पे बैलेंस कर सकते हैं? नीचे एम जी, ऊपर रिएक्शन फोर्स आर, तो इन तीनों में अगर देखोगे तो दीज फोर्सेज आर बैलेंस्ड, इसका मतलब दीज ऑल थ्री पोजीशंस आर स्टेबल, आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। लेकिन इनमें कुछ फर्क है, क्या फर्क है, इसको अगर मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर दूं, ऐसा हटा दिया थोड़ा सा और छोड़ दिया, क्या होगा? सर वो वापस अपनी पोजीशन में ऑसिलेट होगा, लेकिन वो वापस तो आएगा। इतना तो क्लियर है कि ऑसिलेट होने के बाद भी यहां आएगा, इसको डिस्टर्ब करेगा सर वो नहीं, किसी भी एक्सेंट, अगर इस तरह डिस्टर्ब किया तो भाग जाएगा, इधर भी डिस्टर्ब किया तो भाग जाएगा, इट विल नेवर कम बैक। ये जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो स्लाइडली सर, थोड़ा सा थोड़ा अपनी पोजीशन से होगा जी, वो ओके, इधर रख दिया मैंने इसको, हटा दिया, क्या होगा अभी, उधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा, जहां मैं रख दूं उसको वो वहीं पर रहेगा। यहां मैं थोड़ा सा स्लाइडली उसको हटा दूं तो वो अब दूर चला जाएगा, यहां पर हटा दूं तो वो वापस आ जाएगा। जहां पर वापस आता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये वाला जो है दिस इज न्यूट्रल। इफ वी डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन, इट विल कम बैक टू इक्विलिब्रियम पोजिशन। इफ वी डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली फ्रॉम
इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट विल नेवर कम बैक. इस केस में इफ वी डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली फ्रॉम इट्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इट विल स्टिल रिमेन इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ये फर्क है तीनों में, है तो तीनों इक्विलिब्रियम लेकिन इसमें फर्क है. अब इसमें ऐसा क्यों हुआ सोचो, यहां जाने पे जो फोर्स है, लुक एट द फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, एम जी नीचे रहेगा, रिएक्शन फोर्स इज नॉर्मल टू द सर्फेस. नाउ लुक एट द फोर्सेस, अब क्या होगा इफ आई टेक कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एम जी इधर, एम जी का दूसरा कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट आर को बैलेंस कर लेगा, ये वाला कंपोनेंट नहीं कर लेगा, ये वाला कंपोनेंट उसको दूर लेके जाएगा. यहां देखो डिस्प्लेस कर दो थोड़ा सा, एम जी तो नीचे ही रहना, इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, आर इधर है टूवर्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर. अब बताओ कौन सा फोर्स, एम जी के दो कंपोनेंट, एक एम जी का इधर कंपोनेंट जो भी होगा, ये आर को बैलेंस करेगा और ये वाला उसको लेके आएगा वापस. तो ये कंपोनेंट उसको वापस लेके आ रहा है यहाँ, यही कंपोनेंट दूर लेके जा रहा है और यहाँ पर कोई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये फोर्स के कंपोनेंट्स है, फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीजों के लिए. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल ये है, सिंपल पेंडुलम ऐसे कुछ लटका दो ऊपर से, वो फोर व्हीलर के अंदर हनुमान वगैरह लटका रहता है, वो भी कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में. अगर मैंने ये किया ऐसा अनस्टेबल है, ये तो मेरे को कदर नहीं आएगा. ये कौन सा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस करते देखो. ठीक है, वो पब्लिक शो करता है ना रास्ते पे वायर पे चलते हैं, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में होते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हैं. और अभी हम लोग जिस फ्लोर पे खड़े वो कौन सा न्यूट्रल, मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ, यहाँ भी मैं आराम से खड़ा रह सकता हूँ. तो ये सारा पॉइंट्स क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट क्लियर है आपको, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को ये डायग्राम बना लो, इसमें समरी लिख लो, ये बाकी चले टेबल की कोई जरूरत नहीं, अपनी भाषा में लिख लो तो समझे. बुक में सारी चीजें दी है, होमवर्क में बुक पढ़ना है. अच्छा इस पे क्वेश्चन आते हैं इक्विलिब्रियम के टाइप पे. अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीलिंग है, सीलिंग से हमने एक स्प्रिंग लिया है और इसको ऐसे कनेक्ट किया है एक ऑब्जेक्ट के साथ, लेट अस से ये एक किलो का मास है, इस तरह से लटका दिया इसको. ठीक है, स्प्रिंग है, सीलिंग से लटकाया हुआ है एंड देयर इज अ मास एम. ये सिस्टम में ये मास जो है ये कौन से टाइप की इक्विलिब्रियम में, स्टेबल अनस्टेबल या न्यूट्रल, स्टेबल अनस्टेबल. कैसे डिसाइड करेंगे वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, सर वो स्प्रिंग के कैपेबिलिटी के हिसाब से. अगर मैं इसको लेट अस से अभी इस वक्त क्या ये किसी इक्विलिब्रियम में है या नहीं ये पहले चेक कर लें. देयर इज अ डाउनवर्ड फोर्स mg, देयर इज अ अपवर्ड फोर्स स्प्रिंग फोर्स fs, दिस इज स्प्रिंग फोर्स या फिर इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. अगर ये दोनों बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम में. आप इमेजिन करो मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लटका दिया, क्या ये ऐसा कैसा रह सकता है, तो रह सकता है ना, जब तक हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे वैसा रह सकता है. नाउ सपोज इफ आई पुल इट डाउन स्लाइटली, इसको नीचे पुल कर दिया, तो हमने उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको हटा दिया, हटाने के बाद क्या होगा सर, वो ऊपर जाएगा, वो वापस अपनी पोजीशन तक आ रहा है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. हटा देंगे वापस जा रहे हैं, मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, ये स्टेबल है. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक चार्ज है जिसको हमने एक टेबल पे रखा हुआ है, फिक्स कर दिया इसको, फिक्स्ड चार्ज प्लस क्यू. दूसरा चार्ज इससे थोड़ी दूरी पे फ्री है, मतलब इसको फिक्स नहीं किया है. अब बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में है, पहला तो सवाल क्या वो इक्विलिब्रियम में है, अगर है तो फिर वो टाइप आएगा, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, ये वाला, ये तो फिक्स है इसको कुछ नहीं कर सकते, क्या ये इक्विलिब्रियम में है ये वाला, यस और नो, यस व्हाई इट इज इन इक्विलिब्रियम सर, एक पॉइंट फिक्स पे अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस आ सकता है उस पॉइंट पर,
अच्छा जिन लोगों को नो लगता है वो बताओ क्या रीजन है, व्हाई इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम? सर क्योंकि जो एक चार्ज है वो फिक्स्ड है ना बस, और इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसमें दोनों स्टेबल फोर्स होने चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। करेक्ट। अब यहाँ देखो ये वाला चार्ज है, हम लोग सिंस इसके इक्विलिब्रियम की बात करें, हम लोग इसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर पूछा है आपको, इसके बारे में सोचो, इस पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? इसका इस पे फोर्स आएगा इधर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल रिपेल। ये आ गया लेट अस से फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ। और कोई फोर्स है यहाँ पर? नहीं है, एक ही फोर्स है। सिंस दिस इज अ सिंगल फोर्स, और कोई फोर्स है नहीं तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकता। सो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ही नहीं है। तो टाइप तो छोड़ दो, इक्विलिब्रियम है ही नहीं तो सवाल ही नहीं आता। अब इसी का एक और सिचुएशन रहता है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। सपोज मेरे पास एक प्लेट है, बड़ा सा प्लेट ऐसा, और उसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इसकी खासियत यह है, दिस प्लेट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ऊपर की तरफ। अब मेरा वो जो प्लस क्यू चार्ज था वो यहाँ रखा है, और इस प्लस क्यू चार्ज को कुछ मास भी है, हेवी चार्ज है, मतलब उसको मास भी है और चार्ज भी है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, सिंस इट इज प्लस क्यू, फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स आने वाला है। सिंस उसको मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स आने वाला है नीचे की तरफ। और सपोज ये यहां पर इस जगह पे सस्पेंडेड है, उठ रहा है, अब बताओ क्या होगा? इक्विलिब्रियम में है, ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, कैसे डिसाइड होगा? सर अनस्टेबल में होगा। ये डिसाइड होगा इन फोर्सेस की वैल्यूज है, ठीक है। सबसे पहले तो एमजी के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने यहां रखा, वेट एमजी रहेगा। अगर ये यहां होता वेट कितना रहता? एमजी रहता। वेट में कोई फर्क नहीं आएगा इसकी जगह चेंज होने से। Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय QE। मैंने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला बताया था आपको, ये हम लोग पढ़ने वाले बाद में भी, तो आपको तब पता ही चल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन क्यू एंड ई। क्यू इज चार्ज, क्या चार्ज चेंज हो रहा है यहां से यहां चेंज कर दो, क्यू नहीं चेंज होने वाला। वॉट अबाउट ई? ई चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट डिपेंड्स ऑन गिवन डेटा। मैंने ये यूनिफॉर्म लाइन्स बनाई है, सो लेट अस से ई इज कॉन्स्टेंट। इफ दिस ई इज कॉन्स्टेंट तो क्या होगा? अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, इफ दिस ई इज कॉन्स्टेंट तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। अनस्टेबल तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, या न्यूट्रल? स्टेबल या न्यूट्रल। ई कॉन्स्टेंट है हर जगह, मतलब ये फोर्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट ही है और ये भी कॉन्स्टेंट, तो दिस इज कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, दोनों फोर्सेस बराबर रहेंगे हर जगह पे। आप कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल है, ठीक है। इफ ई इज कॉन्स्टेंट देन इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो ऑड भी टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है, बट लेट अस से ये सिंपल केस ही लेते हैं फिलहाल। दूसरा आपका पॉपुलर केस लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ ये एग्जांपल, या फिर ये आपको पता भी होगा। मेरे पास एक बकेट है और बकेट के अंदर पानी भी है, और इसके अंदर हमने एक थर्मोपल का ब्लॉक रख दिया, या फिर स्टायरोफॉर्म है, थर्मोपल ही लिखा ना, थर्मोकॉल। अब ये क्या करेगा? ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इस पे नीचे की तरफ तो mg हमेशा की तरह था ही, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स? बायंड फोर्स। सीखा है ना हमने स्कूल में बायंड फोर्स। अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम? सिंस दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इट मींस दिस फोर्सेस आर बैलेंस, सो दिस इज एन इक्विलिब्रियम। ये तो क्लियर है कि ये इक्विलिब्रियम है, कौन सा है वो बताओ? स्टेबल। स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल? स्टेबल। सर बायंड फोर्स चेंज नहीं होगा क्योंकि मास चेंज हुआ, मास भी तो चेंज हुआ, तो दोनों सेम। बायंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड।
जब हम इसको डुबाएंगे ज्यादा थर्मोकॉल पानी के अंदर जाएगा, ज्यादा स्पेस अंदर ऑक्यूपाई करेगा, मतलब पानी ज्यादा डिस्प्लेस होगा। पानी ज्यादा डिस्प्लेस होगा तो उसका वेट ज्यादा होगा, मतलब बैंड फोर्स चेंज होगा। सो व्हेन वी डिस्प्लेस दिस अप और डाउन, हम लोग उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, किसका, जो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर घुस रहा है। इन शॉर्ट हम लोग की वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को चेंज कर रहे हैं, मतलब हम लोग एफ बी चेंज कर रहे हैं। सो दिस एफ बी इज नॉट कॉन्स्टेंट, एम जी का कॉन्स्टेंट है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उसका वेट जितना उतना रहेगा। नाउ डिसाइड व्हिच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, सोचो जब ये अंदर जाएगा तो ये ज्यादा लाग पानी को डिस्प्लेस करेगा, कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा, ये कम है ये ज्यादा है, किस तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजिशन ये थी, नीचे गया ऊपर भेजा उसको, इक्विलिब्रियम पोजिशन की तरफ जा रहा है, लेट अस से ऊपर खींचते हैं, ऊपर खींचेंगे तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा था वो कम करेगा, क्योंकि कम पानी में डूबने वाला है, कम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, एम जी तो कॉन्स्टेंट ही, तो ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, नीचे वाला फोर्स बढ़ गया, नीचे आएगा। सो अगर आप घर पे करके देखोगे, अगर थर्मोकॉल नहीं भी है तो पानी का जो जग होता है उसको उल्टा कर दो, या फिर खाली बॉटल है उसको बंद करके उसके अंदर डाल दो, थोड़ा सा इसे छोड़ अंदर डुबा के छोड़ दो, इट विल मूव लाइक दिस, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम ही हो सकता है। ऑसिलेशन इज पॉसिबल ओनली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम केस, बाकी केसेस में होगा ही नहीं। स्प्रिंग का एग्जांपल याद करो, खींच के छोड़ दिया, इट विल ऑसिलेट बिकॉज इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल है, लास्ट वाला लेते हैं इसका एग्जांपल, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा सेम प्लस क्यू चार्ज है, और मैंने इन दोनों के बीच में इस एग्जैक्ट पॉइंट पर एक माइनस कैपिटल क्यू कुछ और वैल्यू का चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज। अब लॉजिक से बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम है? यस। क्यों इक्विलिब्रियम में, देखो इक्वल डिस्टेंस में रखा है, लेट अस से एक्स, सब कुछ आइडियल लेते हैं, सब कुछ आइडियल, इसका इस पे फोर्स अट्रैक्टिव है, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरफ फोर्स, इन दोनों का फोर्स इस तरफ, लेट अस से एफ वन F2, दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम चार्जेस फोर्स बराबर होगा। अब लेटस से हम इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, ऊपर इसको ऐसे ऊपर डिस्प्लेस किया सेम लाइन पे, लेटस से दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऊपर डिस्प्लेस किया, व्हाट विल हैपन, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज भी जाएगा, हाँ उसी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, माइनस ये भी प्लस क्यू और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पर हमने वो प्लस क्यू को कैपिटल क्यू को हटा दिया, ऊपर लेके गए, सॉरी प्लस क्यू नहीं ये माइनस क्यू है, ये फिक्स्ड है, लेट अस से इसको फिक्स रखा और इसको मूव कर दिया स्लाइटली, व्हाट विल हैपन, फोर्सेस कहाँ लगेंगे, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर ऐसा इसकी तरफ, और नेट फोर्स कहाँ, इन दोनों का नेट फोर्स किधर, देखो एक फोर्स ऐसा एफ वन, एक फोर्स ऐसा F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से होगा, पैरेलल होगा हम लोग, तो ये फोर्स इसको नीचे ले जाएंगे, दोनों मिलकर इसको नीचे ला रहे हैं, तो हमने डिस्टर्ब किया वो उसको वापस लेके आ रहा है, मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सोचो अगर मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर देता तो क्या होता, सर वापस इस तरफ, सोचो पहले सर इस तरफ ये इक्विलिब्रियम नहीं रहता, देखो अब मेरा यही है प्लस क्यू, यही है प्लस क्यू, और ये अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक्स, और ये एक्स डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, मैं वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ बस, और मेरा चार्ज जो है बड़ा वाला चार्ज प्लस क्यू, प्लस नहीं सॉरी ये माइनस है, उसको मैंने इधर रख दिया। अब देखो ये दोनों नजदीक है तो इनमें फोर्स ज्यादा होगा, तो ये वाला फोर्स जो है इस तरफ वाला फोर्स F1 ज्यादा होगा, इन दोनों का फोर्स कम हो जाएगा। अब नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस तरफ लग रहा है, मतलब ये जैसे ही हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे ये इस तरफ खींच रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। तो सेम एग्जांपल अगर ऐसे कराएंगे मूव तो स्टेबल आ रहा है, ऐसे कराएंगे तो अनस्टेबल आ रहा है, सेम एग्जांपल में
है ना, इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसलिए ये लिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में। सर वो दोनों साइड से तो फोर्स सेम लग रहा है, तो फिर से इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ये यहाँ सेम नहीं है, अगर इसको यहाँ भी शिफ्ट करा देंगे तो इसका ये फोर्स जो होता है ना, इफ डिस्टेंस डिक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, उस टाइप का फोर्स है। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। तो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, इसलिए ये नजदीक आ गया तो ये फोर्स बढ़ गया, और ऑब्वियस बात है ये नजदीक आया तो ये दूर चला गया, इसका फोर्स घट गया। अब नेट फोर्स अगर देखोगे तो बड़ा माइनस छोटा इस तरफ आने वाला है, और ये इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल, वापस नहीं आएगा। यहां डिस्प्लेस करोगे तो वापस आएगा, इस तरफ करोगे उस तरफ करोगे तो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, जेई में नीट में पूछा गया था, सीधा सीधा पूछता है कि ये कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम देंगे, डायग्राम नहीं देंगे, और पूछेंगे कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये एक पॉपुलर क्वेश्चन था इसलिए दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है इक्विलिब्रियम के, उसके टाइप्स के। अभी अपना कुछ न्यूमेरिकल्स करना है टेक्स्ट बुक से, ठीक है, ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले सकते हो अभी, क्योंकि बाद में कंटिन्यूस 11 बजे तक चलने वाला है। लेना है ब्रेक 10 मिनट का, ये चले 11 बजे तक होम स्टॉक चलते हैं, 11 बजे तक लेते हैं होम स्टॉक। टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले रहा हूं, पेज नंबर है अपना बुक में 68, एग्जाम्पल 4.10। अच्छा उससे पहले वो ब्लू बॉक्स देखो टेक्स्ट बुक में, वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, सो व्हेन वी कंसीडर दिस काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है, ये एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ भी है, एंड इफ वी टेक डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट du, let us say this is potential energy, this is distance x, so this first derivative will be slope of tangent at this point, ये tangent बनाया मैंने इस point पे, तो इसका slope कितना इस line का, इसका slope कितना आएगा देख के बताओ, ऐसी line है जो x axis को parallel है उसका slope कितना आएगा, x एक्सिस को पैरेलल लाइन का स्लोप पता है 0, और मैंने बताया था डेरिवेटिव इज बेसिकली स्लोप, तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0 हियर। और अगर ये वाला पॉइंट होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वापस से टेंजेंट बनाओ, दिस विल बी डी यू बाई डी एक्स, टेंजेंट मतलब ये डेरिवेटिव, टेंजेंट समझते हो ना, ये टेंजेंट वापस से x एक्सिस को पैरेलल है, यहां पर स्लोप कितना 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों ही केस में 0 आएगा। ये खास बात है, पोटेंशियल अगर आपको दिया है, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आता है कहां, स्टेबल और अनस्टेबल दोनों ही इक्विलिब्रियम में फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो कैसे पता चलेगा कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता है ये जो टेंजेंट है ये कैसे चेंज हो रहा है यहां से यहां तक, लेट अस से यहां से यहां तक टेंजेंट कैसे चेंज हो रहा है, इसका स्लोप में क्या चेंज आ रहा है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कैसे चेंज हो रहा है यहां से यहां। देखो ये टेंजेंट ऐसी लाइन है तो इसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इफ माई लाइन इज लाइक दिस इज इट नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप, उतरने वाला नेगेटिव स्लोप, चढ़ने वाला पॉजिटिव स्लोप, याद रखना है ये कौन सा स्लोप है, ये कौन सा है, यहां बना देते हैं ये ऐसा, ये ऐसा, तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो सेकेंड डेरिवेटिव ये पॉजिटिव आएगा, बढ़ना मतलब पॉजिटिव। अब यहां देखो अब बताओ स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप घट के पॉजिटिव, फिर जीरो हुआ, फिर घट के नेगेटिव हो गया, तो स्लोप यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा,
सिंस डिक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा स्लोप में, स्लोप में जो डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव। तो क्या कंडीशन है बुक में पढ़ो, द साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड पैराग्राफ देखो उसमें ब्लू बॉक्स के अंदर, साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर डिसाइड्स द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, देख लो ये पॉजिटिव आया था कहां पर इधर, ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, ये कहां कौन सा था, और क्या आया था पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आया था है ना, ये डायग्राम बना हुआ वही टेबल का पूरा समरी है, बुक में है पेज नंबर है 68 एग्जांपल नंबर 4.10 एग्जाम्पल 4.10 क्वेश्चन पढ़ लो बुक में से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है। ऐसा एक सीलिंग दिया है रिजिड सपोर्ट, वहां से दो रस्सी ली है केबल्स है और उसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म है इस तरह का, ठीक है। अब डेटा देखते क्या नहीं है, यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक, ये वुडन प्लैंक है एक जैसा है पूरा, ऑफ मास 30 kg, इसका मास जो है मास है तो ऑब्वियस बात है ये बीच में से आएगा, सेंटर ऑफ मास से लेंगे हम लोग, इसके सेंटर से लेंगे, दिस इज 30 kg वेट, ठीक है, ये वाला वेट कितना आएगा 30 kg, और सपोर्टेड बाय सिमेट्रिकली बाय टू लाइट आइडेंटिकल केबल्स, तो ये केबल वन है ये केबल टू है, ईच कैन सस्टेन टेंशन अप टू 500 newton, ब्रेकिंग टेंशन दिया है 500 newton, इसका मतलब क्या होता है, ईच केबल कैन सस्टेन अ टेंशन अप टू 500 newton का मतलब है अगर टेंशन 500 newton तक बढ़ जाए, 500 newton भी हो जाए तो ये ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन 500 newton से थोड़ा भी ज्यादा हो जाए दिस स्ट्रिंग्स विल ब्रेक, ठीक है। अब आगे देखते क्या बोलते हैं, आफ्टर टाइम द केबल्स आर एग्जैक्टली वर्टिकल एंड सेपरेटेड बाय 2 meter, एग्जैक्टली वर्टिकल बना ही मैंने डायग्राम में, ये शायद से डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, 2 meter का सेपरेशन है दोनों केबल्स में, यहां पर भी 2 meter यहां पर भी, हर जगह 2 meter का सेपरेशन है। अ बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक, ये सेंटर है मतलब ये डिस्टेंस 1 meter होगा, सही है ना, ये 2 meter तो ये सेंटर 1 meter, और इधर वो लड़का खड़ा है सेंटर में, और क्या पूछा है, बॉय ऑफ मास 50 kg, ये इसका 50 kg है, स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक इज इंटरेस्टेड इन वॉकिंग ऑन द प्लैंक, ऑब्वियस बात है ये एक तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, दोनों तरफ वॉक कर सकता है, हाउ फार कैन ही वॉक, ये कितना दूर तक जा सकता है, लेट अस से ये इतना दूर तक जा सकता है, क्यों ज्यादा दूर तक क्यों नहीं जा सकता, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। जी की वैल्यू 10 दे रखी है, सबसे पहले हम लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, जब ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, सिंस दिस बॉय हैज मास ऑफ 50 kg ही विल एग्जर्ट सम डाउनवर्ड फोर्स, और वो डाउनवर्ड फोर्स होगा 50 g का फोर्स mg, और ये प्लैंक का खुद का जो फोर्स है वो होगा 30 g का फोर्स, 30 × जो भी g की वैल्यू है mg, ये हो गया वेट ऑफ द प्लैंक, ये हो गया वेट ऑफ द बॉय, और ये दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, यहां पर दोनों डाउनवर्ड लगेंगे तो दोनों केबल में बराबर टेंशन होगा, लॉजिक से बता सकते हैं कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये यहां जाएगा तो इसका फोर्स इस प्लैंक को टर्निंग इफेक्ट देगा, एंड दैट्स व्हाई इस स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन आएगा इसमें कम आएगा, तो हो सकता है अगर ये टेंशन 500 न्यूटन के ऊपर चला जाए देन व्हाट विल हैपन, स्ट्रिंग विल ब्रेक, ठीक है, तो हमें पहले तो वो देखना है कि इसमें कितना टेंशन में ब्रेक होगी, तो लेट अस से ये यहां चला गया, ये लड़का यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो इसका वेट है डाउनवर्ड वेट वो उतना ही रहेगा, कितना था वेट
या फिर इसको जी को 10 डाल देंगे तो दिस विल बी 500 न्यूटन। इसका जी यहाँ पर भी 10 डाल देंगे तो दिस विल बी, तो हमारे पास सारे वेट न्यूटन में आ गए। बुक में दिया देखो, न्यूटन में दिया वैल्यूज, ठीक है। अब सपोज ये यहां से यहां तक चला, कितना चला, एक्स डिस्टेंस चला, मतलब किसी भी एक तरफ जा सकता है, लेट अस से वो यहां गया। सिमेट्रिक केस है, यहां भी जाएगा तो वही वही होने वाला है जो यहां जाएगा तो होगा। अब सपोज यहां गया और इस कंडीशन में टेंशन हो गया 500 न्यूटन, लेट अस से इस कंडीशन में टेंशन हो गया 500 न्यूटन, थोड़ा आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन 500 से बढ़ जाएगा, दिस स्प्रिंग विल ब्रेक। सेम केस विल हैपन हियर, अगर लड़का यहां पर है और लेट अस से टेंशन बढ़ते बढ़ते 500 न्यूटन हो गया, थोड़ा भी इधर गया तो स्प्रिंग विल ब्रेक। तो एक कुछ तो लिमिट होगी जिसके अंदर ये लड़का मूव कर सकता है, तो हमें वो ढूंढना है कि कितना दूर तक जा सकता है। और हमने क्या बोला, लेट अस से वो एक्स तक गया और उस कंडीशन में इनमें से किसी एक स्ट्रिंग का टेंशन हो गया 500 न्यूटन। हमें पता है इसका बढ़ने वाला, इसका घटेगा, ऐसा लग रहा है हमको देख के, तो हमने सोच लिया कि इसका 500 होगा। कैलकुलेट करते हैं, लेट अस से सारी चीजों को हम लोग नाम देते हैं, लेट अस से दिस टेंशन इज T1, ये वाला T1 लेते हैं अपने ऊपर है, इसको T2 लेते हैं, ये वेट ऑफ द प्लैंक, वेट ऑफ द बॉय WB लेते हैं, वेट ऑफ द बॉय, वेट ऑफ द प्लैंक। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, अगर ये स्ट्रिंग नहीं टूट रही है, दिस मीन्स इफ स्ट्रिंग्स won't break, अगर वो ब्रेक ही नहीं हुई, बिफोर ब्रेकिंग वाली कंडीशन ले रहे हैं, तो इन दैट केस ये ऐसा कंडीशन है, ऐसा ही रहेगा सब कुछ, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होने वाला एज इट इज है। इसका मतलब दिस सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। द सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या, ये प्लैंक, ये लड़का, ये स्ट्रिंग, सब कुछ ये सिस्टम है, इज इन ट्रांसलेटरी या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ना तो ये ऊपर नीचे मूव करेगी, ना ही इधर उधर, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ना ही ये रोटेट करेगी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। और सपोज ये टूट जाए तो सर तो रोटेशनल, ये रोटेट करेगी, सिस्टम विल रोटेट, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अभी है ना, क्योंकि ये टूटने पे इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए मैंने वो लिखा है वहां पर। ट्रांसलेशनल में है, ट्रांसलेशनल में है, इसका मतलब नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स मतलब ऊपर, अभी सिंस यहां पर नीचे फोर्सेस है, ऊपर फोर्सेस है, ऊपर वाले फोर्सेस बराबर नीचे वाले फोर्सेस, ऊपर फोर्सेस कौन से हैं, नीचे वाले फोर्सेस, दीज आर फोर्सेस, दीज आर इक्वल, मतलब T1 प्लस T2 लिखो मत कुछ भी, इक्वल टू कितना, 300 प्लस 500 न्यूटन, कितना हो जाएगा 800 न्यूटन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन क्यों दिया, क्योंकि आई डोंट नो वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, आई नो द मैक्सिमम वैल्यू, उनकी अभी कितनी वैल्यू है वो नहीं पता इस वक्त, ठीक है। अब लेट अस से रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या बराबर होना चाहिए, टॉर्क जो है, नेट टॉर्क, यहां लिखता हूं मैं सेकेंड केस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या बैलेंस होना चाहिए, नेट टॉर्क शुड बी जीरो। अब देखो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, फोर्स तो ठीक है ऊपर और नीचे था, टॉर्क के बारे में सोचो, अगर ये रस्सी टूट जाए तो ये कैसे घूमेगा, डाउनवर्ड, कैसे घूम, कैसे रहे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये रस्सी टूटती तो ये कैसे घूमता, तो दो टाइप के टॉर्क होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज टॉर्क, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो जीरो, नो टॉर्क, ये वाली कंडीशन। तो इस पे से मैं ऐसे लिख सकता हूं,
इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज क्लॉक वाइज टॉर्क, याद रखो मैंने इसको फुल फॉर्म में नहीं लिखा है, क्लॉक वाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क, ठीक है। देखते हैं यहां पर कौन से फोर्सेस इसको घुमा सकता है क्लॉक वाइज। अब लेटेस्ट से अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू डिसाइड कि कौन से पॉइंट के अबव वो घूमने वाला है। लॉजिकली अगर ये रस्सी कटेगी, हमने जो लॉजिक सोचा था कि भाई ये यहां जाएगा ये रस्सी कटेगी, तो ये ऐसे घूमने वाला है क्लॉकवाइज। तो हम लोग पॉइंट एक्स पॉइंट जो लेंगे, पॉइंट ऑफ रोटेशन, वो कौन सा लेना चाहिए, लॉजिकली ये लेना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। एनीवेज हम लोग ये छोड़ के ये भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, याद करो कपल जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट कोई भी ले लो एक्सिस का, स्टिल वी विल टेक दिस पॉइंट, ठीक है। और सारे डिस्टेंस सिंस ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वी विल टेक दिस एज ओरिजिन, ये अपना ओरिजिन है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू जीरो है। तो अब क्या करना है, क्लॉकवाइज टॉर्क के बारे में सोचना है, इस पॉइंट से ये वाला फोर्स, बाकी सारे फोर्सेस भूल जाओ, फॉरगेट ऑल द फोर्सेस, इसे देखो 300 न्यूटन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ओरिजिन, मतलब ये मेरा फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट, 300 न्यूटन इधर लग रहा है बीच में, किस तरफ है, नीचे, कैसे घुमा रहा है, ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। सो क्लॉकवाइज टॉर्क में मैं ये लिखने वाला हूँ 300 न्यूटन। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, फोर्स ऐसा है आर परपेंडिकुलर यही है, सीधा सीधा फेस है, तो ये हो जाएगा 300 into 300 into आर परपेंडिकुलर है 1, ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क, ये एक कंप्लीट हुआ। इसके बारे में सोचो, 500 न्यूटन नीचे ये फिक्स है, 500 न्यूटन नीचे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो वापस से इसी तरफ लिखेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में लिखना है हमें, ये मेरा कन्वेंशन है कि मैं इसको लेफ्ट में और इसको राइट में लिख रहा हूं, आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज 500 इंटू डिस्टेंस प्लस 500 इंटू डिस्टेंस कितना ही है, आर परपेंडिकुलर 2 मीटर नहीं, 2 थोड़ी है, 2 तो ये है, ये कितना है, दिस इज 1, दिस इज x, ये कितना हो गया 1 plus x हो गया, वही तो नहीं पता ना अपने को, वही तो x ढूंढना है। ये वाला सोचो, यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, t2 सोचो कैसे घूम रहा है, तो उस तरफ लिखेंगे कितना हो जाएगा, t2 फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 2 मीटर डिस्टेंस है। अब t1 को तो हमने लिखा ही नहीं, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, मेरा t1 इधर है, कुछ होने वाला है, रोटेशन होने वाला है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसे आप T2 को T1 को उधर लिखो या इधर लिखो, डिस्टेंस उसका इस पॉइंट से कितना है, इस पॉइंट से इसी का डिस्टेंस कितना है, जीरो ना, कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ही नहीं, आर परपेंडिकुलर जीरो इधर, सो T1 इनटू जीरो इधर या उधर किधर भी लिख सकते हो, सिंस वो इसको रोटेट ही नहीं कर रहा है, लिख लो ऐसा, है ना, तो वी विल राइट इट हियर T1 इनटू जीरो, या फिर नहीं भी लिखा तो चलेगा क्योंकि वो एनीवे जीरो हो रहा है। तो क्या इक्वेशन आ गया, देखो 2t2 इक्वल टू 300 प्लस 500 प्लस 500x, सही है क्या, और ये कितना हो गया 800 प्लस 500x इक्वल टू 2t2, ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2। और क्या कर सकते हैं, T1 T2 दो अननोन्स है, ठीक है, यहां पर T2 और X दो अननोन्स है, टोटल कितने अननोन्स हो गए, T1 T2 और X 3 अननोन्स, इक्वेशंस कितने हैं, तो सॉल्व नहीं हो सकता, एक और कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन ये इधर है, कंडीशन क्या है, ब्रेकिंग टेंशन कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम कंडीशन है किसकी, तो हमने सोचा था कि अगर ये इधर जाएगा तो ये टूटने वाला है, सो लेट फॉर ब्रेकिंग कंडीशन में क्या होने वाला है, T2
विल बी 500 न्यूटन, क्योंकि हमने सोचा कि अगर ये यहाँ जाएगा तो इस पर टेंशन ज्यादा आने वाला है, वो मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है 800 तो है, ये टर्म डिसाइड करेगी कि T2 कितना आएगा, T2 बढ़ने वाला है, यहाँ प्लस हो रहा है तो T2 ज्यादा मिलेगा T1 से, ये इक्वेशन ही बता रही है हमने, बहुत लॉजिक से भी बताया ये बढ़ने वाला है। तो कितना मैक्सिमम हो सकता है, 500 से ज्यादा हुआ तो ये टूटेगी, सो दिस इज ब्रेकिंग कंडीशन। इफ आई पुट दिस ब्रेकिंग कंडीशन देयर, 2 इनटू T2 की वैल्यू, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 2 उठाओ, T2 की जगह मैं कितना डाल रहा हूं, 500। कहां से डाला, क्यों डाला, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक चल चुका है, मतलब ये टेंशन 500 है, थोड़ा भी ज्यादा आगे जाएगा तो ये 500 क्रॉस कर जाएगा और ये टूटेगी, इसलिए हमने ये वैल्यू डाल दी, क्रिटिकल कंडीशन डाली। तो ये हो गया 800 प्लस 500 एक्स, ये सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी 1000 माइनस 800 एंड इट इज 200, सो 2/5 आएगा, बराबर ना, एक्स की वैल्यू। ये तो इधर से आ गया अपना आंसर, हमें तो एक्स ही तो निकालना था, 2/5 मतलब कितना हो गया ये 0.4 मीटर। तो प्रैक्टिकली इस इक्वेशन की यहाँ इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आ रहा है अपना आंसर, इसी इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। जनरली हम लोग ये अप्रोच लगाते हैं, पहले तो ट्रांसलेशनल बाद में रोटेशनल, कई बार क्या होता है इसी से अपने पास आधी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो लिख लो, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब बताओ, ये 300 और 500 कहाँ से लाए मैंने, याद रखना कुछ दिनों के बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा T1 की वैल्यू 300 है, T2 की वैल्यू 500 है, क्या ये सही है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट इक्वल, इनका टोटल इक्वल है, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, जितनी हो सकती है, तो ब्रेकिंग कंडीशन में ये 500 होगा, अगर ब्रेकिंग कंडीशन में ये 500 होगा T2 तो ऑब्वियसली T1 कितना होगा, 300 होगा, इस एग्जाम्पल में हो रहा है ऐसा, हर केस में नहीं होगा, लिख लो। अच्छा इसमें कुछ डाउट है किसी को, ये पॉपुलर और कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और क्या क्या करते हैं कभी कभी इसमें अलग वेरिएशन क्या आता है वो भी बता देना, होमवर्क में करना है आपको, एक और क्वेश्चन बना के देता हूँ कभी। There is a blank, ठीक है, इसका मास दे रखा है blank का 50 kg, ठीक है, there is knife edge समझते हो क्या बच्चों, ये ऐसा triangular shape का support है, एक इधर है और एक इधर है, knife edge 1, knife edge 2, शार्प एजेस है उस पर वो बैलेंस किया हुआ है, और एक लड़का है जो इसके ऊपर यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और लेट अस सी सेंटर है, इसका लेंथ भी दे देता हूँ, दिस इज 10 meter इन लेंथ, ये जो डिस्टेंस दिया है इसका लेंथ 10 meter है लाइन का, नाइफ एज के दोनों तरफ 2 meter का डिस्टेंस है, यहाँ और यहाँ, ये खाली जो जगह पड़ी है ना ये 2 meter है दोनों तरफ से, दोनों एंड से, और ये लड़का यहाँ से 1 meter दूरी पे है सेंटर से, लड़के का वेट है 40 kg, पूछा है फाइंड रिएक्शन फोर्स R1 एंड R2 एक्सर्टेड बाय नाइफ एज, ये क्वेश्चन R1 R2 कहां लगेगा, ये नाइफ एज ऊपर की तरफ R1 लगाएगा, ये वाला ऊपर की तरफ R2 लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, सिंस ये एकदम शार्प है तो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से ऊपर लगने वाला है, तो बस नहीं निकालना है बना को, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लड़का यहाँ खड़ा हुआ है ना, खड़ा दिखना थी, सोच लो अभी मेरा ड्रॉइंग तो अच्छा नहीं है,
इसी को समझ लो। तो ये ऐसा सिचुएशन है, 40 किलो का लड़का, आई गेस सर डाटा तो दे दिया है, डिस्टेंसेस भी है 10 मीटर, दो दो एक, ठीक है सफिशियंट डेटा है मेरे हिसाब से, तो आ जाना चाहिए आंसर। ये होमवर्क करना आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आपके एक्सरसाइज में भी होगा ऐसा क्वेश्चन, अनसॉल्व एक्सरसाइज आपको करना है ना बच्चों। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लैडर वाला क्वेश्चन, लैडर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। एक खिड़की खड़ी है, खिड़की के ऊपर लड़की है और लड़का नीचे से चढ़ रहा है सीढ़ी पे, उसकी विंडो तक जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा सीनारियो चेंज हो सकता है, अब जो लैडर है उसका जमीन के साथ फ्रिक्शन है लेकिन वॉल जो है वो स्मूथ है, तो किस हाइट तक लड़का चढ़ने के बाद वो सीढ़ी ऐसे फिसल जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टफ क्वेश्चन है, इसी में थोड़े इजी इजी करते हैं पहले बुक वाले, एग्जांपल 4.11 उसी टाइप का लैडर के क्वेश्चन है, लैडर क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया वैसे अलग अलग एग्जांपल्स आते हैं, लैडर का वेट दिया रहेगा, लड़के का वेट दिया रहेगा, प्रोसीजर सेम लगेगी। प्रोसीजर क्या है, स्टेप नंबर 1 समेशन एफ इक्वल टू 0, और प्रोसीजर का सेकेंड स्टेप क्या है, समेशन ऑफ टॉर्क इज 0, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यहाँ पर अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस या लेफ्ट फोर्सेस इक्वल टू राइट फोर्सेस जो भी है, यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस करना है, यहाँ टॉर्क बैलेंस करना है, खत्म। सारे एग्जाम्पल्स में यही करना है, लैडर वाले में भी यही करने वाले हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी यही किया था, होमवर्क में भी यही करना है आपको। प्रोसीजर सेम रहेगा, क्वेश्चन का सीनारियो चेंज होगा। अब कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, क्वेश्चन समझते पहले क्या दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन देखो, अ लैडर ऑफ निग्लिजिबल मास, लैडर का मास नहीं दिया है, क्वेश्चन आसान हो गया, यहीं पे क्वेश्चन आसान हो गया, लैडर का मास नहीं दिया तो एक फोर्स कम हो गया। हैविंग अ क्रॉस बार इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फ्रिक्शन भी नहीं है और आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो डायग्राम देख लो, बुक में ऐसा दिया है, ये एक ऐसा लैडर है इस तरह का, और इस पे एक क्रॉस बार लगा रहता है, क्यों लगाता है ये क्रॉस बार, अदरवाइज ये दोनों लेग ऐसे दूर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इन लेग्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्रॉस बार लगाया जाता है, ये उसके लेग्स है, दीज आर लेग्स, ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं है, सो लेट अस से दिस इज स्मूथ फ्लोर, फ्रिक्शन नहीं है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एंगल बिटवीन इट्स लेग इज क्या दिया, लेग्स टू बी 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री दे रखा है दोनों लेग्स के बीच का, ठीक है। दीज आर लेग्स ऑफ द लैडर, ये उसका क्रॉस बार है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस बार, अगर ये नहीं होगा तो ये लैडर ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। तो इन इन शॉर्ट ये क्रॉस बार इस लेग को इस तरफ खींच रहा है, इस लेग को इस तरफ खींच रहा है, यहां पर एक लड़का भी खड़ा है, डायग्राम में दिया हम लोगों ने, ईच लेग इज 1 मीटर लॉन्ग, तो ये लेंथ जो है यहां से यहां तक, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक दिखेगी आपको, क्या दिख रही है लेंथ देखो। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्रॉस बार व्हेन अ लैडर अ पर्सन ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन द लैडर, ये 50 किलो का लड़का है, खड़ा है लैडर के ऊपर, और हमें पूछा है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्रॉस बार, इस पे फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है, ऑब्वियस बात है इट इज अ रॉड तो इस पे लगेगा टेंशन, सो वी हैव टू फाइंड दिस टेंशन टी, ठीक है, हमें टेंशन निकालना है। इतना डेटा दिया है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, जी अगर 10 नहीं दिया तो 9.8 लेना याद रखो। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले तो इसमें फोर्सेस कौन से लग रहे हैं वो देखना है, फिर फोर्सेस को बैलेंस करना है और टॉर्क को बैलेंस करना है, ये स्टेप्स है अपने। अच्छा ये इसका लोकेशन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया नहीं है बट डायग्राम में दिया है, क्वेश्चन में और डायग्राम में किधर भी नहीं है, वो देना चाहिए था, ये मिड पॉइंट पे है, ठीक है, सॉल्यूशन में दिया हम लोग ने,
एक्चुअली ये गिवन होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है, देन ऑब्वियसली इफ दिस इज 1 मीटर तो ये 0.5 मीटर होना चाहिए, सो दिस शुड बी गिवन, नहीं दिया है क्लियर कट। अब क्या कर रहा है ये रॉड? सर डायग्राम में दिया है ना? हाँ डायग्राम में दिया है, डायग्राम में दिया है ना 1 मीटर 1 मीटर, तो वो 1 मीटर कहाँ है, वो तो 0.5 मीटर है ना, वही तो गलती किया हम लोगों ने, पता चला क्या प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ पर है, यही तो मिस्टेक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस है जो भी है 0.5 0.5, और ये रॉड इस लेग को इस तरफ खींच रहा है, सो टेंशन एट दिस एंड विल बी इन दिस डायरेक्शन टी, एट दिस एंड ये रॉड इस लेग को इस तरफ खींच रहा है, सही है ना? तो ये टेंशन इधर कितना, सिंस ये रॉड है वेटलेस है तो हर तरफ टेंशन बराबर होगा, दूसरी केस में वैसे कि हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन बराबर ही होने वाला है। और कोई फोर्स है क्या यहाँ पर? सिर्फ इतने ही फोर्सेस नहीं है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट पे लग रहा है, कौन सा फोर्स है बताओ? इस पॉइंट पे आएगा फ्लोर का रिएक्शन फोर्स, इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स आने वाला है? अच्छा रिएक्शन फोर्स माइनस कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसलिए ये ऊपर की तरफ है, दिस विल बी आवर रिएक्शन फोर्स, लेट अस से एन बोल देते हैं इसको, एन बोल सकते हैं आर बोल सकते हैं जो भी बोलना है, इस तरफ भी बराबर रिएक्शन फोर्स होगा एन। अच्छा ये दोनों की वैल्यू मैंने सेम कैसे ले ली, लॉजिक लगाया मैंने, क्या लॉजिक लगाया? ये 40 डिग्री पे है बराबर दोनों तरफ बटा हुआ है, तो ये 20 ये 20, इसका जो फोर्स है उसको ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर ये लैडर किसी एक तरफ इंक्लाइन होता तो शायद से ये अनइक्वल होते, लेकिन ये सिमेट्री दी है तो फ्रॉम सिमेट्री वी कैन से दैट दिस एन एंड दिस एन इज सेम, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें डी फाइंड करना है, पहली कंडीशन क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो। अच्छा और कोई फोर्स रहेगा क्या यहाँ ड्रॉ करना? एक फोर्स हो गया ये एक हो गया ये, और एक बच गया वेट, वेट आएगा यहां से इस पॉइंट से नीचे की तरफ, एंड दिस वेट विल बी 15 into mg, 15 into 10, 500 न्यूटन, ठीक है 500 न्यूटन। ये n ना लिखने का एक और रीजन यही है, न्यूटन के साथ कंफ्यूजन होता है, इसको हम लोग आगे लिख देता है, बुक में n लिखा है हम लोग आगे यूज करेंगे, अदरवाइज ये कंफ्यूज करेगा, 500 n है और ये n है ना, कंफ्यूजन होगा, इसलिए दिस इज 500 न्यूटन, दिस आर एंड आर। सो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर फोर्सेस देखो, ये ऊपर है, ये नीचे है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो पहले तो हमें वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना होगा, तो 500 न्यूटन बराबर आर प्लस आर, तो कितना हो गया 2r बराबर 500 न्यूटन, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 250 न्यूटन, एक वैल्यू तो इधर ही मिल गई, ठीक है इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना इजीली मिल गया। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी बैलेंस कर सकते हैं t इक्वल टू t, कोई फायदा है क्या? हमको पता ही है ये और ये t इक्वल है, तो इक्वेशन लिख के फायदा नहीं है, अदरवाइज सिर्फ एक एडिशनल लाइन जाएगा, बाकी उसका कोई यूज नहीं, तो नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। अदरवाइज अगर ये अलग होते और कोई फोर्स होता, फ्रिक्शन विक्शन होता तो ये लिखना पड़ता, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल होता तो ये लिखना पड़ता, अभी जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन लेस दिया है, स्मूथ फ्लोर दिया है। तो पहले कंडीशन कंप्लीट हो गई, सेकंड कंडीशन हमें क्या करना है? मतलब कौन सा टॉर्क बराबर कौन सा टॉर्क? क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क। अब हमें कोई तो पॉइंट डिसाइड करना होगा जहां पर वो गोल घूम सकता है, रोटेशन पॉइंट ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ले लो फिक्स पॉइंट। तो अगर ये नहीं होता रॉड तो ये ऐसे घूमता, सो दिस इज हिंज, हमारे ऊपर है, वैसे हम कोई भी ले सकते हैं, हम ये लेंगे आसान वाले पॉइंट्स लेने चाहिए हमेशा, तो ये हिंज ले लिया, तो इस हिंज के हिसाब से अब हम बाकी फोर्सेस के बारे में सोचेंगे, तो मैं इसके लिए अलग से डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों को क्लियर होने के लिए। लेफ्ट लेग लेंगे पहले, फॉर लेफ्ट लेग इस तरफ वाला लेग लेता है, ये इस पर यहां से एक 500 न्यूटन लग रहा है ऐसा,
500 न्यूटन। देख लो यहां से लग रहा है कितना न्यूटन, आर आर कितना है, मैं वैल्यूज डाल देता हूं, हमारे पास वैल्यू है इसलिए डाल रहा हूं, ठीक है 250 न्यूटन ऐसा लग रहा है। और कौन है, टी टी है इधर, ठीक है। और ये लेंथ अगर देखोगे तो दिस इज 0.5 मीटर इधर से इधर, क्योंकि टॉर्क के तो हमें लेंथ की जरूरत पड़ने वाली है, दिस इज 0.5 मीटर। इसको अभी हम लोग ज्योमेट्री के मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको वो एग्जांपल कराया था अभी, इसको मैं टेंशन ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज अननोन, ये फाइंड करना इस डायग्राम से निकल जाएगा शायद से। कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क बताओ पहले कौन सा है, ये पॉइंट अपना फिक्स्ड पॉइंट हमने इसको लिया है, दिस इज फिक्स्ड, ये एंगल कितना है 20 डिग्री, सिमेट्री से हमको पता है कि दिस इज 20 डिग्री, ये 90 है क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हमको पता है ये 90 है, और ये बचा हुआ जो भी होगा। अब क्लॉकवाइज टॉर्क, ऐसे टॉर्क जो उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये पॉइंट फिक्स्ड और बाकी फोर्सेस भूल जाओ, ये लगता तो कैसे घूमता, देखो ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और ये ऐसे लगता, तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हम लोग देखेंगे 250, दिस इज माय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर इस लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन का मेरे फिक्स पॉइंट वाले लाइन से डिस्टेंस कितना बनता है, ये डिस्टेंस बन रहा है, दिस इज आर परपेंडिकुलर इन माय फर्स्ट केस। इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर डायग्राम में, लेट अस से ए बी और सी देते हैं हम, सो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी। देखो ये पॉइंट अपना फिक्स्ड है, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन, ये मेरा पॉइंट फिक्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सोच लो, तो मेरा आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होगा इस लाइन से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस, यही डिस्टेंस अगर यहां देखेंगे तो एक्चुअली ये वाला डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर है, यही और ये बराबर ही होगा, तो ए बी लिख दिया मैंने यहां का, किसका हो गया 250 वाले का। इसको कंप्लीट किया, इसके बारे में सोचो, ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, पॉइंट अपना फिक्स है, इधर से फोर्स लगा है, क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको बाद में लिखेंगे, उस तरफ लिखेंगे, लिख लेते चलो। इसको अगर लिखना है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर, अब इसका आर परपेंडिकुलर कैसा आता है सोचना है आपको, ये इमेजिनेशन का पार्ट है, यहां से ये बीच में से लग रहा है फोर्स ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मेरा आर परपेंडिकुलर ये लाइन ऑफ एक्शन, ये मेरा पॉइंट आर परपेंडिकुलर ये वाला होगा, डायग्राम में देखो ये लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, और ये मेरा फिक्स पॉइंट, और ये होगा मेरा आर परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, ये कितना होगा निकालने के लिए थोड़ा सा अपने को काम करना पड़ेगा मैथमेटिक्स। इसको ए नाम दिया, बी सी, इसको क्या दे दे, क्या नाम दिया, एम दे दो, एम एन, ये एम एन पॉइंट हो गया, तो ट्राइंगल बन गया अपना। अब मुझे कौन सा डिस्टेंस यहां लिखना होगा टी के साथ, आर परपेंडिकुलर कितना आएगा इसके लिए, ए बी, ए बी कैसा आएगा, वापस से देखो, वापस से देखो, ये फिक्स पॉइंट, ये वाला सी पॉइंट, फोर्स एंड टी जो है टेंशन टी इधर से लग रहा है ऐसा बीच में से, ठीक है ऐसे घुमाने वाला, तो ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है देखो यहाँ पर, ये बना, ठीक है, आर परपेंडिकुलर इस लाइन और इस पॉइंट का डिस्टेंस ये बना कितना है, इट इज सी एन, सी एन समझे, सी एन क्यों लिया समझे, हाँ या नहीं, yes, ये मेरे पास क्लास है किसी का नहीं है ना, ये सी एन हो गया, एक फोर्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बचा है अभी, इसके बारे में सोचो सर, केमिस्ट्री का लेक्चर है क्या, कितना बजे सर ने बोला था डालेंगे ग्रुप पे, नहीं ग्रुप पे नहीं मैसेज था, हाँ छोड़ दो ना, नहीं है फिर, नहीं डाला तो कैसे पता है, पता है क्या, बताया कितना, बताया है ना सर, हाँ सैटरडे को दो लेक्चर है ना हमारे, मैंने क्या बोला, कल फिजिक्स के दो होंगे तो अब मेरे दो होने वाले 11 बजे तक, उसके बाद लेक्चर है या नहीं मुझे नहीं पता है, आपको इन्फॉर्म किया था क्या,
तो फिर देखते हैं, सर को फोन करते हैं बाद में। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ये देखो नीचे की तरफ एक फोर्स ऐसा, और ये अपना फिक्स पॉइंट है और ये फोर्स है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये रोटेट नहीं करने वाला है, बट लेट अस से अगर ये रोटेट करता तो ये कैसे करता, ये ऐसा आ गया। हाँ, अब आज परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये वाला फोर्स और इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन, और ये फिक्स पॉइंट है तो लाइन ऑफ एक्शन से इसका डिस्टेंस तो वैसे भी जीरो है, तो ये किधर भी लिख सकते हैं हम लोग, एनीवेज वो जीरो होने वाला है। तो मैं ये क्या करता हूँ, 500 इंटू जीरो इधर लिख देता हूँ, किधर भी लिख सकते हैं, सिंस ये फिक्स पॉइंट है मेरा और मेरा जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन उसी में से जा रही है, तो मैं उसको नहीं कैलकुलेट कर सकता। आर परपेंडिकुलर जीरो ही होने वाला है, सो इसके लिए ये जीरो वाला आ जाएगा फैक्टर। तो इसको भूल जाओ, वैल्यू जानते हैं 250। ए बी ट्रायंगल में देखो, दिस इज 1, दिस इज 20, सो दिस विल बी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ये 1 है, ये 20 डिग्री है, ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइड होगी तो क्या लगाएंगे, साइन या कॉस? कॉस साइन ऑफ थीटा। अभी ना मैं तुमको 10th वाले बच्चों की तरह पढ़ाता हूँ, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू अपोजिट साइन अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अपोजिट साइड मुझे ढूंढना है, हाइपोटेनस मेरे पास कितना है, ये 1 मीटर है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन ऑफ 20, थीटा 20 है। ए बी कितना है फाइंड करना है, ए सी कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया 1 sin 20 हुआ, एक्चुअली 1 sin 20, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 into sin 20, ठीक है। ये तो जीरो ही है, उस तरफ जाओ, टी कितना है, टी तो फाइंड करना है, सी एन, सी एन है, सी एन क्यों दिखाना है, हाँ ये बात सी एन है, हाँ ये डिस्टेंस कितना है। तो वापस से ट्राइंगल देखो, ये थीटा के बाजू वाला है तो ये कॉस होने वाला है, कितना कॉस, cos 20 तो है 0.5 cos 20, so this will be 0.5 cos 20, r cos theta होता है वो cos 20, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, गंदा इक्वेशन एकदम, t इक्वल टू आ जाएगा 250 अपॉन 0.5 sin अपॉन cos 10 20, ऑब्वियस बात है 10 20 की वैल्यू हमको बुलानी नहीं है, एज इट इज लिखेंगे, and this 0.5 is 1/2, है ना, so 250 upon 1/2 will be 500 10 20 degree, ठीक है। 10 20 में से निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से, कैलकुलेट करना तो कर सकते हैं, बट देखते हैं क्या दिया आंसर। अच्छा, उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, tan of 20 निकाला हुआ है, तो दूसरा तरीका क्या है, अगर नहीं दिया है तो एक तो ट्राइंगल से निकालो, So, ये लेंथ पता है क्या, हाँ है, ये नहीं पता है तो नहीं निकाल सकते। दूसरा तरीका क्या है, फिर लॉग टेबल यूज करो, लॉग टेबल से 10 20 की वैल्यू निकालो, यू विल गेट द फाइनल आंसर इन न्यूटन्स। हमें टी निकालना था तो इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं, सेंटर ऑफ मास, सीओएम मतलब सेंटर ऑफ मास। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी, नया टॉपिक कभी भी आया तो उसकी नीड क्या है, है ना। सबसे पहले तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, है ना, लेट अस से उसका कुछ तो स्पीड भी दे रखा है हमें 10 meter per second, एंड देयर आर फोर्सेस एक्टिंग, लेट अस से इस पे फोर्स भी लग रहा है इसी तरफ 10 newton। तो ऐसे एग्जाम्पल में या फिर रियल लाइफ अगर केस लेना है, लेट अस से दिस इज अ बॉक्स और वो किसी सरफेस पे चल रहा है ऐसे, और इस पे हमने फोर्स लगाया है, तो दिस इज रियल केस, और इसी का फिजिक्स केस कैसा बन जाएगा, इसको पॉइंट मास ले लो, लेट अस इसका मास भी लिया 10 kg, 10 किलो का पूरा मास यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर इसके मोशन को इजीली समझना है तो कैसे समझ सकते हैं, वी कैन कंसीडर दिस इज पॉइंट मास ऑफ 10 kg, और इसका स्पीड दिया है हमें 10 meter per second, और इसकी इसके ऊपर फोर्स दे रखा है 10 newton, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन। फिर इससे हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन में यही वेलोसिटी थोड़ा सा इंक्लाइन करता है ना, लेट अस से 10 meter per second,
इंक्लाइन रहता और फोर्स ऐसा रहता, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इन सारे केसेस में हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसको छोटा सा पॉइंट मास ले रहे हैं। रियलिटी में रियल ऑब्जेक्ट्स ऐसे पॉइंट मासेस नहीं होते। सपोज हम पाकिस्तान पे मिसाइल गिर रहे तो इतना छोटा मिसाइल नहीं डालने वाले, बड़ा मिसाइल डालेंगे। बट उसका स्टडी करना है फिजिक्स में तो हम उसका पॉइंट मास लेते हैं। तो ऐसा हम कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, ये पॉइंट मास है। सपोज ये मेरा मिसाइल है और इस मिसाइल को मैंने ऐसे पॉइंट मास लेके उसका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर लिया, इक्वेशन निकाली है कहाँ गिरेगा वो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो पॉइंट जो मैंने कैलकुलेट किया वो पॉइंट कहाँ है, यहाँ यहाँ या बीच में कहीं पे। सो वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट जो उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, जो हमने कैलकुलेशंस में वो पॉइंट लिया था। रियल लाइफ में हर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे आसपास देखो कि बोर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल इसके मोशन को हम लोग पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए? दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। और उसको डिफाइन करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। पहले ये क्या है इसको समझेंगे, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास ना ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास मतलब वो पॉइंट जिसको मैं इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दूं एक पॉइंट मास से तो मोशन सेम आएगा। तो ऐसा पॉइंट जहां पर ये बैलेंस कर रहा है वो हमारा जनरली सेंटर ऑफ मास होता है। इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो उस बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं पॉइंट मास से। तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट जनरली कहाँ आता है? ये यहाँ आता है, इस पॉइंट पे, सेंटर पे नहीं है, ये थोड़ा स्लाइटली इस तरफ है। क्यों? कैप की वेट ज्यादा है, इस तरफ वेट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है। स्केल होती एकदम ऑर्डिनरी स्केल, स्टैंडर्ड स्केल, तो उसका एग्जैक्ट बीच में आता है, ठीक है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, इसका ऑलमोस्ट बीच में आएगा ये। तो जनरली सेंटर ऑफ मास जो होता है इट इज पॉइंट वेयर द बॉडी बैलेंसेस, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज नॉट सेंटर ऑफ मास, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन ज्यादातर हमारे केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट होता है। तो इस बॉडी का, इस डस्टर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पे बीच में, ठीक है। तो सिमेट्रिक बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। अगर रिंग होगी, रिंग जो हम लोग हाथ में पहनते हैं या फिर बगड़ी, तो उन दोनों ही केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा उसका? उस रिंग का सेंटर होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? तो जो कॉम्प्लेक्स मोशन होती है ऑब्जेक्ट की उसको सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि ये पेन, अगर मैंने इसको ऐसे मूव करा तो अगर आप देखते तो इसका ट्रेजेक्ट्री ऐसा कुछ तो था, प्लस ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा कुछ मूव करा था। सपोज इसका प्रोजेक्टाइल मोशन किया ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे, तो ये रोटेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, काफी कॉम्प्लेक्स मोशन है। बट इफ यू लुक एट मोशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल फॉलो दिस पाथ। तो इसका मोशन सिंपल होता है, किसका? सेंटर ऑफ मास का। बॉडी का मोशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बॉडी का मोशन कैसा था? ठेका तब ऐसा, फिर ऐसा कुछ तो, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, हर एक पॉइंट पे भयंकर मोशन हो रहा है, अजीब सा। बट उस सेंटर ऑफ मास का मोशन बहुत सिंपल है। व्हील की बात करो, गाड़ी का व्हील, फोर व्हीलर का व्हील है या फिर टू व्हीलर का व्हील है, ये उसका सेंटर है, हाँ, व्हील का सेंटर। ये पॉइंट का मोशन देखो कैसे, व्हील आगे जाएगा, गाड़ी आगे जा रही है, तो ये पॉइंट सीधा जाने वाला है। ये पॉइंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसा भयंकर मोशन होने वाला है, कॉम्प्लेक्स मोशन। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो ये जो मोशन है ये कॉम्प्लेक्स मोशन है, ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा, प्रोजेक्टर मोशन नहीं है, सेमी सर्कुलर भी नहीं है। लेकिन ये पॉइंट का देखो मोशन कैसा है, सीधा है, ये हमेशा सीधा जाने वाला है। तो हमारी कार का मोशन डिस्क्राइब करना है तो मैंने व्हील का मोशन डिस्क्राइब करने की जरूरत है क्या? नहीं। सेंटर ऑफ मास से मेरी कार का मोशन डिस्क्राइब कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हमारे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को ईजी कर देता है, ठीक है। नेट इफेक्ट क्या है? आपका व्हीकल आगे जा रहा है तो उसमें वो व्हील घूम रहा है या वो स्लाइड करके जा रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सेंटर ऑफ मास ले लेंगे तो मोशन जो बहुत कॉम्प्लेक्स था वो बहुत सिंपल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी स्टडी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक, ये रीजन बताया मैंने आपको। अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? फिजिक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं? इसका आंसर क्या है? फिजिक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं? और कंपल्सरी क्यों है? मैथ्स की तरह ऑप्शन क्यों नहीं है?
फिजिक्स फॉर्म देना चाहिए था ना, कितना बेकार सब्जेक्ट है, ऑप्शन दे दिया रहता तो कितने बच्चे कितना अच्छा स्कोर करते हैं, सही है ना? सोचो क्यों पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स, आप ही बताओ आंसर, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी आ जाते हैं, अपने पास ज्यादा डिस्कशन का टाइम नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान करने के लिए सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं वो आप बताओ, अच्छे मार्क्स मिलने के लिए। फिजिक्स से तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है, कितना भी पढ़ लो फिजिक्स से अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। तो अब देखो, सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो मासेस लिए मैंने M1 और M, सेम मास लेते हैं, बहुत सिंपल केस लेते हैं, एक मास M, दूसरा भी मास M, लेट अस से 1 किलो 1 किलो, और दोनों के बीच में एक स्टिक लगी हुई है जिसको मास नहीं है, इमेजिन कर लो मासलेस, ठीक है, तो सिर्फ मास इधर ही है, ये 1 kg है, ये 1 kg है, तो लॉजिक से बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एग्जैक्ट बीच में, लेट अस से ये 2 मीटर का है, तो ये 1 मीटर पे बरोबर इसका सेंटर ऑफ मास होना है, ये हमको लॉजिक से पता है, बैलेंसिंग पॉइंट होता है जनरली, है ना, जनरली हर बार होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, गंदा सा फॉर्मूला, एम आई एक्स आई अपॉन समेशन एम, एक्सप्लेन करता हूँ, दिस इज एक्स सेंटर ऑफ मास, ये बुक का फॉर्मूला है, सिंपल वर्जन समझा दो। सबसे पहले तो यहाँ पर x जो है, दिस इज पोजिशन और डिस्टेंस, तो लेट अस से वी टेक दिस लाइन एज x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस ले ली, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम लोग डिसाइड करते हैं फिजिक्स पढ़ने वाले लोग, तो हमने डिसाइड किया कि दिस इज माई x एक्सिस। ओरिजिन कहाँ लेना है वो भी हमारा चॉइस है, लेट अस से मैंने इसको ओरिजिन ले लिया, ये 0 आ गया, ठीक है, तो चेक करते हैं कि सच में ये फॉर्मूला से ये आता है क्या नहीं, ये बुक में दिया हुआ फॉर्मूला है, डेरिवेशन बहुत लंबा है, मैं नहीं कराने वाला, सिंपल फॉर्मूला लिया, समझते कि ये क्या, ये सही है, वेरीफाई करेंगे इसको। तो फॉर्मूला के हिसाब से एम आई एक्स आई का मतलब होता है एम वन एक्स वन प्लस प्लस क्यू एम टू एक्स टू, और नीचे प्लस नीचे आएगा समेशन ऑफ एम एंड एम, तो एम वन प्लस एम टू, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एम और एम ही लिया है, 1 kg भी नहीं लेता हूँ मैं, तो देखो समेशन एम आई एक्स आई का मतलब हो गया एम वन एक्स वन, जितने भी मास होंगे उनका इंटू एक्स, ओरिजिन से उनका डिस्टेंस, एक्स क्या है ओरिजिन से उस मास का पोजिशन कोऑर्डिनेट, प्लस एम टू एक्स टू, क्योंकि दो ही है तो मैंने दो ही लिखे, 10 होते तो 10 लिखने पड़ते हैं, डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, वैल्यूज कर दें इसमें, एम वन की वैल्यू मैंने यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में एम लिया है, एक्स वन उसका पोजिशन वो ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना, मैं अगर ओरिजिन पे हूं तो मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, 0 प्लस एम टू मेरा वापस से एम ही है, एम ही लिया हमने, एक्स टू मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, मैंने ये एग्जांपल में 2 मीटर लिया है, एम वन प्लस एम टू मेरा मास प्लस मेरा मास 2m, एम प्लस एम इज 2m, तो ये कितना हो गया, दिस इज 0 2m अपॉन 2m व्हिच इज 1 मीटर, आ रहे हैं 1 मीटर, तो मतलब ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, लंबा तरीका है उसको डिराइव करने का, वी विल नॉट गो इन फॉर दैट, तो ये फॉर्मूला है थ्रू विच वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ मास, क्या ये सेंटर ऑफ मास की वैल्यू इस ओरिजिन पे डिपेंड करती है, चॉइस ऑफ ओरिजिन पे, दस वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, इट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, चेक करो। दूसरा सेम एग्जाम्पल, वही दोनों मासेस m m, मैं वैल्यू भी नहीं ले रहा हूं मास की, ठीक है, मैंने सिर्फ इक्वल मास लिए, 2 मीटर दूरी पे रखे हैं एक दूसरे से, अब x कोऑर्डिनेट मुझे मेरे हिसाब से लेने हैं ना एक्सिस, तो मैंने यहां ले ली, सपोज ये x एक्सिस है, यहां ली मैंने ओरिजिन, और इसको मैंने लेट अस से 1 मीटर दूरी पे रख दिया, तो ऑब्वियस बात है 1 + 2 ये 3 मीटर की दूरी पे होगा, दिस विल बी x इक्वल टू 3, This will be x equal to 1. देखो ना, ये एक पे तो ये obvious 3 पे होगा क्योंकि ये distance fix है, दिया है हमको. Now let us find x center of mass. कहीं तो होगा बीच में. तो कितना होगा? X u m equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. दो masses के केस में.
एम वन कितना है, एम एक्स वन कितना है, वन, एम टू कितना है, वापस एम एक्स टू अपॉन एम प्लस एम, ये कितना आ गया, थ्री प्लस फोर एम कितना आ रहा है, टू। डिस्टेंस अगर मीटर में तो ये 2 मीटर आ रहा है, मतलब इस ओरिजिन से ये 2 मीटर दूरी पे है, मतलब ये इसके एग्जैक्ट सेंटर पे। रियलिटी में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो उसके सेंटर पे ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज करने की वजह से मेरा आंसर जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये एक आपको याद रखना है, इसकी ये एक प्रॉब्लम बोल सकते हो या खासियत बोल सकते हो कि अगर आपने ओरिजिन चेंज कर दिया तो आपके आंसर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लोकेशन चेंज हुआ क्या, बट हमने उसको ऐसे रख दिया ओरिजिन पे तो वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं इसको उठा के ऐसे रख देता एक्स वाई प्लेन में तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट भी आता, इसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका भी वाई कोऑर्डिनेट आता, है ना। तो दैट डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन। बट फिजिकली अगर आप सोचते हो तो ये पॉइंट पहले भी दोनों के बीच में था, ओरिजिन चेंज करने में भी बॉडी के उसी जगह रहने वाला है। बॉडी आप कहाँ रख रहे हो स्पेस में, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कहाँ ले रहे हो, दैट इज योर चॉइस, और इसलिए वो वैल्यूज चेंज होती है उसकी। रियलिटी में अपनी जगह कभी नहीं बदलता अगर वो गिवन सिस्टम है, है ना। वो अगर इस बॉडी के सेंटर पे तो वो सेंटर पे ही रहेगा, कुछ भी ओरिजिन कुछ भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, वैल्यूज चेंज होगी, इट्स वैल्यू विल चेंज, ये बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला इटसेल्फ, है ना, एक्स आ रहा है उसमें। इसलिए अगर मैं ओरिजिन यहां ले लेता तो ये मेरी वाई एक्सिस होती, ये नहीं होती, तो इफ दिस इज माय ओरिजिन तो सेंटर ऑफ मास कहां आता, और ये इसकी वैल्यू कितनी आती, जीरो आती थी, क्योंकि वो ओरिजिन पे। एक तरफ ये वाले डिस्टेंस हमको नेगेटिव लेने पड़ते हैं, वो वाले पॉजिटिव होते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, आंसर जीरो आता है ना। तो इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका लोकेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझेगा। तो ये एक पॉइंट याद रखना कि ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, आपका और आपके फ्रेंड का सेम क्वेश्चन का आंसर अलग आ सकता है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली क्वेश्चन में क्या करते हैं, दे गिव यू चॉइस कि भाई ओरिजिन इधर है, तो इन एग्जाम्स जनरली दे विल आस्क यू कि फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 kg मास, लेट से 1 kg है, 5 kg लिया, फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 kg, फाइंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5 kg दिया रहेगा कि कहाँ से, या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिया है, ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट है, इधर मास है, इधर मास है, इधर मास है, तो आपको दिया रहेगा कि दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस दिया रहेगा। तो उस केस में सभी का आंसर बराबर आएगा क्योंकि ओरिजिन सेम दिया है। अदरवाइज अगर ओरिजिन नहीं दिया तो इसका लगाएगा आपका लगा पा रहा है, सबका आंसर अलग रहेगा, ठीक है। जनरली पीपल आर केयरफुल कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही देंगे कि इसमें आंसर सबका एक जैसा है, ठीक है। आंसर्स वेरी कर सकते हैं अगर ओरिजिन चेंज हो जाए, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, बाकी सारा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन करो, फिर अभी इसको जनरलाइज करते हैं। ये 2 मास के लिए है, ये सभी के लिए, ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज जनरल फॉर्मूला, दिस इज ओनली फॉर 2 मास। अब सेम लॉजिक से जाओ, थोड़ा और जनरल करते इसको। अगर मेरे पास y कोऑर्डिनेट भी होता तो y कोऑर्डिनेट का भी सेम फॉर्मूला आता, m i y i, x की जगह y होता क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। मैं उस एक्सिस को x की जगह y लिख देता तो y आ जाता अपन समेशन m i, m i लिखना चाहिए यहाँ पर, i स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, मतलब ये जितने भी मासेस है उसके लिए आ जाएगा, 10 होगी तो m1 से m10 तक जाएगा। सो दिस इज बेसिकली टोटल मास, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय टोटल मास समेशन m i बाय i, इसको भी वैसे लिख सकते हो, और z के लिए भी सेम, z c o m सिमिलर इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको और इसको जनरलाइज करके दिखाता हूँ, चलो उससे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं इस फॉर्मूला पर बेस, 2 मासेस का, 2 स्टार सिस्टम है, 2 स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम सुना है क्या कभी, इसी को है इंटरेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में,
स्टार्स में पढ़ने का कोई है क्या इच्छा वगैरह? बिल्कुल नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि स्टार्स ऐसे क्यों है। सन क्या है, स्टार है या प्लैनेट है? स्टार। बहुत बड़ा आंसर दे दिया, खुशी होगी एटलीस्ट वो तो पता है। ठीक है, बाइनरी स्टार क्या रहता है? सुनो, जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, वैसे ये दो स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमते हैं। दिस इज स्टार ऑफ मास M1, दिस इज स्टार ऑफ मास M2। उन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया रहता है, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग सम टेक्निक। तो ये एक दूसरे के आसपास घूमते हैं, सो दे आर रोटेटिंग सिस्टम, दे आर लाइक दिस, इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं सेंटर ऑफ मास के। इसमें खास बात ये है, दे रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। इवन इफ यू कंपेयर दिस सिस्टम विद आवर सोलर सिस्टम, ये सन, मैं बहुत छोटा बना दिया, ये अर्थ, ये भी तो 2 पॉइंट मास सिस्टम है, कंपेरेटिवली साइज यही है, ये कैपिटल है, मोस्ट स्मॉल है। अब क्या होगा, ये भी तो 2 मास सिस्टम है, सो दिस शुड ऑल्सो वर्क इन द सेम वे, जैसे ये घूम रहा है, सो दिस टू शुड रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ ये सॉल्व करने से पहले। मेरे पास जो है ये 1 किलोग्राम दिया है और ये 10 किलोग्राम दिया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये डिस्टेंस दिया है 4 मीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ओरिजिन कहीं पे भी ले सकते हैं, तो लेटेस्ट मैंने यहां से ओरिजिन ले लिया, तो ये हो जाएगा M1 x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, ये x एक्सिस ले लेते हैं, तो M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 x1 कितना है प्लस M2 x2 कितना है 4 अपॉन M1 प्लस M2 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 40/11। इस तरफ आने वाला है, तो जब हेवी मास होगा तो सेंटर ऑफ मास हेवी मास की तरफ जाएगा। 10 kg जब लिया था तो वो इसके काफी करीब 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो इसके इस तरफ आ रहा है, काफी क्लोजर है। इफ दिस मास इज लेट अस से 100 kg, तो कैलकुलेशन आ जाता 1 × 0 प्लस 100 × 4 डिवाइड बाय 101, सो दिस विल बी 400 डिवाइड बाय 101। करो तो कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, 100 kg। तो जब बहुत हेवी मास है और बहुत लाइट मास है, तो उन दोनों के केस में सेंटर ऑफ मास हेवी मास के काफी नजदीक होगा, हेवी मास के सेंटर के नजदीक। सन और अर्थ सिस्टम में सन काफी ज्यादा हेवी है, मेरे ख्याल से 10^22 टाइम्स हेवी है, ऐसा कुछ है वो नंबर, देख लेना। तो उतना ज्यादा हेवी होने की वजह से इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो सन के सेंटर के नजदीक रहेगा, यहाँ कहीं तो रहेगा, बहुत नजदीक, कुछ सेंटीमीटर दूर है सन के सेंटर से। एंड दैट्स व्हाई हमें क्या लगता है, सन अपनी जगह है और प्लैनेट घूम रहा है। सिर्फ अर्थ की केस नहीं है, पूरा सोलर सिस्टम जितने भी मासेस है सन के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। दैट्स व्हाई हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा होता है कि सन जो है इट इज नॉट एब्सोल्युटली एट रेस्ट, बट वी अज्यूम दैट इट इज एट रेस्ट। रियलिटी में अब देखो अर्थ की वजह से तो कुछ सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है, लेकिन पूरा सोलर सिस्टम का मास देखोगे तो वो ज्यादा है सन को छोड़कर, और उसकी वजह से दिस सन वॉबल्स, ऐसा ऐसा करता है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब
मासेस इस तरफ ज्यादा होंगे क्योंकि एक प्लैनेट नहीं है, सारे अलग अलग जगह पे है, तो जब इस तरफ ज्यादा हो जाएंगे तो ये थोड़ा ऐसा शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है, फिर ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यू गेट दिस मोशन, तो कॉम्प्लेक्स मोशन होगा एंड दिस मोशन ऑफ सन विल बी अ वॉबलिंग मोशन, ऐसा वॉबल करेगा जेली की तरह ड्यू टू आवर सोलर सिस्टम, रोटेशन ऑफ सोलर सिस्टम है ना, इंटरेस्टिंग चीज। तो यहाँ पर होता क्या है, दीज मासेस आर कंपेरेबल, स्टार्स दोनों बड़े बड़े रहेंगे, दोनों हेवी रहेंगे, ठीक है, लेट अस से इसका मास 10^22 किलोग्राम है, किलोग्राम इसको वैल्यू भी दे देते हैं 2 × 10^22 किलोग्राम, और ये वाला जो है दिस इज 4 × 10^22 किलोग्राम, और इनका जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली स्टार का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा, लेट अस से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 10^5 मीटर ले लेता है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, 1,00,000 मीटर का डिस्टेंस है, और ये फिर क्या करेंगे, सिंस इनका मास कंपेरेबल है 2 × 10^2 का पावर सेम है, मास ए 2 है और ये इसका डबल है, तो मास का कंपेरेबल, तो ये कहाँ मूव करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, किसके नजदीक होगा, M2 इस वाले के नजदीक होगा, यहाँ कहीं तो होगा सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पे यहाँ कहीं तो होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो निकाल सकते हैं, वो भी हम लोग निकालने वाले इस क्वेश्चन से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपने बिग पेपर सुना है क्या, बिग पेपर नहीं सुना होगा, अच्छा ये सुना है क्या, सप्तर्षि सुना है, सप्तर्षि शायद ऐसे लिखते हैं, सुना मराठी मेरा अच्छा नहीं लिखना, सप्तर्षि ऐसे लिखते हैं शायद, है ना, कितने स्टार्स होते हैं इसमें, ऐसा कुछ का स्ट्रक्चर है इसका, बिग बैग उसको क्या बोलते हैं, बिग पीपर भी बोलते हैं, बिग स्पून बोलते हैं, अलग अलग नाम है उसके, ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन में आता है ये, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ये चार हो गए, ये इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला जो है ना, इसको हमारे इंडियन नेम, ये इन सबको ये कॉन्स्टेलेशन है, इनको नाम दिया है, नक्षत्र बोलते हैं मराठी में, तो ब्राह्मण लोगों को ज्यादा पता रहता है उसके बारे में, तो ये कौन सा नक्षत्र है वो तो नहीं पता, लेकिन ये जो है ना, ये स्टार को नाम दिया है वशिष्ठ अरुंधति, ऐसा नाम दिया है वो, संत संत लोगों का नाम दिया, ये सात ऋषि है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सप्तऋषि, सेवन सेजेस, उसमें से ये जो है ये अरुंधति वशिष्ठ का नाम दिया है, क्यों नाम दिया होगा, दो नाम क्यों, इन सबको एक एक नाम है, इसको दो नाम है, बिकॉज दिस इज बाइनरी स्टार। एक सोचने वाली बात ये है कि एंशियंट टाइम में टेलीस्कोप नहीं था, उनको पता था कि ये बाइनरी स्टार सिस्टम है, एंड इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग कि इनको पता है, हमारे एंशियंट मैथमेटिशियन और जो भी इंडियन जो सेजेस थे दे वर एक्चुअली साइंटिस्ट, क्योंकि उनको ये सारी चीजें साइंटिफिक चीजें पता थी, जैसे आर्यभट्ट हो गया वो सब साइंटिस्ट थे, दे वर मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट, तो पता था कि ये बाइनरी सिस्टम है उस टाइम पर, पता था जब टेलीस्कोप नहीं था, और ये अभी अभी रिसेंट ढूंढा गया है कि दीज आर बाइनरी सिस्टम्स। तो यहाँ पर दो स्टार्स हैं वो इस तरह के हैं, एक बड़ा है जो वशिष्ठ बोलते हैं उसको, जो उसके साथ छोटा वाला है इट इज अरुंधति, हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा वो सिस्टम है, एंड दे आर रोटेटिंग लाइक दिस। और आप सोच सकते हो कि अपना जो इंडियन कल्चर है उसमें भी कैसे रोटेट करते हैं शादी के वक्त, तो इसमें भी इससे आया होगा, आई डोंट नो, लगता है कुछ कनेक्शन हो सकता है इसका और उसका, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ते हैं, इसमें क्या है, M1 M2 दो मासेस दिया है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है जो हमें ढूंढना है कहाँ पर होगा। सो क्वेश्चन ऐसा आएगा, M1 M2 इज गिवन, सेपरेशन इज गिवन, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, कहीं से तो पूछेंगे, M1 से पूछेंगे या M2 से पूछेंगे, लेट अस से फ्रॉम M1 से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अब मैं आपको शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं, बहुत हो गया मैथमेटिक्स, अभी शॉर्टकट पढ़ते हैं, इधर देखो जरा, इधर से निकालना था डिस्टेंस M1 से, तो हमने क्या किया, दिस इंटू जीरो, मतलब ये M1 इंटू जीरो प्लस M2 इंटू जो भी डिस्टेंस था दोनों के बीच का डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो यहाँ पर एक टर्म जीरो होने वाली है, जिससे हम लोग निकालेंगे वो वाला जीरो होगा, क्योंकि उसको हम ओरिजिन पे लेंगे, अपना चॉइस है, कुछ भी कर सकते हैं, इसको जीरो ले लिया, तो क्या आ रहा है, देखो अगर इधर से निकालना है तो M2
इनटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास, ये शॉर्टकट ट्रिक। इधर इसको ओरिजिन ले लेंगे तो m2 x सेंटर ऑफ मास विल बी m2 इनटू ये डिस्टेंस r, r1 भी r लेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास, क्योंकि ये जीरो होने वाला है इसको ओरिजिन पे लिया, तो ये अपने लिए टेक्निक हो गया, शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। m2 कितना है, 4 इंटू 10 प्लस 2 22 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6 इंटू 10 प्लस 2 क्या कर दूं, बड़ा दो क्या, या सही है 10 प्लस 2 सही है ना सर, 44 करता है क्या, नहीं ना करता है सर, हाँ याद रखो नहीं करता है, कुछ करते हैं बच्चे इसलिए नहीं करता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 by 3, आप तो लिखा ही नहीं है m2 हो गया, r रहेगा ना 10 रेस टू 5, तो 2 by 3 into 10 रेस टू 5, 2 by 3 कितना होता है बच्चों 0.6 0 point something 6 7 है ना, हाँ हाँ 10 रेस टू 5 meters, 0.67 into 10 रेस टू 5 meters, ये 1 है total, 1 into 10 रेस टू 5, this is 1 into 10 रेस टू 5, 0.67 मतलब 0.5 से उस तरफ उसके तरह आ रहा है, मतलब सही आंसर है। दूसरा, if I ask you find the position of center of mass from m2, तो फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताओ। m1 r upon m1 plus m1। शॉर्टकट ट्रिक दिमाग में आ गया क्या है? जिससे निकालना है, तो दूसरा मास into total distance divide by total mass, ये शॉर्टकट टेक्निक। इसी को जनरलाइज करना है तो x की जगह हम r यूज करेंगे, पोजीशन वेक्टर r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू समेशन m i r i वेक्टर अपॉन टोटल मास, मतलब समेशन m i, ये हो गया जनरल इक्वेशन, है ना, इंटरेस्टिंग। ये एग्जांपल क्लियर हुआ, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपको कंसेप्ट पढ़ाने के लिए बताया था एग्जांपल, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स है बुक में, तो सॉल्व करना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाई हो। अब सोचो इसी फॉर्मूला के साथ जाएंगे हम लोग, ये जनरल फॉर्मूले का मीनिंग समझते पहले, जनरल फॉर्मूले का मीनिंग समझेंगे, ठीक, कितना टाइम हो रहा है जल्दी बताओ, 11:05 हो गया क्या, तो रुकते हैं फिर सेंटर ऑफ मास का टॉपिक अगली क्लास में करेंगे, है ना, ओवर टाइम हो जाएगा, फिर स्टॉप हियर, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करो, अभी ऑलमोस्ट हो गया लेसन, एक अगले 10-15 मिनट में हो जाएगा बचा हुआ लेसन, ठीक है, तो एक्सरसाइज होमवर्क है आज के लिए।